पर्सनालिटी कैसे बनाएं, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस, तीन ऐसे चीजें हैं जहां आप बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट ला सकते हो सीख के, चाहे आपको दूसरों को इंप्रेस करना है, अपने बॉस को इंप्रेस करना है, लड़कियों को इंप्रेस करना है, लड़कों को इंप्रेस करना है, और अगर आपको प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस चाहिए तो फिर पर्सनैलिटी इंप्रूव करने में ही आपका भला होगा। पॉइंट नंबर वन, बहुत ही कठोर पॉइंट है पर ये लाइफ का एक कठोर सच है कि लोग आपको कैसे जज करते हैं, आपके फैशन के ऊपर जज करते हैं और आपके ग्रूमिंग के ऊपर जज करते हैं। अपने स्किन, अपने बालों का ख्याल रखो। उसके साथ साथ फैशन की बात आई ना, तो आपको केवल दो ही रूल याद रखने हैं। पहला रूल, फैशन के बेसिक्स के बारे में सीख लो। एक बार आपने बेसिक्स के बारे में सीखा ना, कैसे सीखोगे? रणवीर अलाहाबादिया के चैनल पर सीखोगे मेरे भाई या बहन। और दूसरा रूल, एक बार आपने बेसिक्स के बारे में सीखा तो अपनी फैशन की वाइब चेंज करते रहिए। नेवर बी द गाय हु ओनली फॉलोज वन काइंड ऑफ फैशन। आपको हमेशा केवल टी शर्ट्स ही नहीं पहनने चाहिए, केवल शर्ट्स ही नहीं पहनने चाहिए, केवल पोलो टी शर्ट्स नहीं पहनने चाहिए, अलग अलग प्रकार के क्लोथ्स के साथ आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए ताकि दूसरों को लगे यार इसके पर्सनैलिटी के ना अलग अलग चेहरे हैं जो इसके कपड़ों के थ्रू हमें दिखते हैं। अपनी पर्सनैलिटी को अपने क्लोदिंग के द्वारा एक्सप्रेस कीजिए दुनिया के लिए। मान लो 100 लोग रूम में, केवल 10 लोग आपसे बात करेंगे यार, 90 लोग आपको केवल देखेंगे। ग्रूमिंग का ख्याल रखो, स्किन का ख्याल रखो, बालों का ख्याल रखो और फैशन को चेंज अप करते रहो। फैशन के बेसिक्स सीखने के बाद इन चीज़ों का ख्याल रख लिया ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर बाकी के जो 9 पॉइंट है ना उनका फ़ायदा आपको और भी ज़्यादा मिलेगा, पर बेसिक्स का ख्याल रखो। दूसरा पॉइंट बहुत ही सिंपल है, डोंट लुक अप टू एनी वन, डोंट लुक डाउन ऑन एनी वन। किसी को ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान ना दीजिए, और आपके लाइफ में ऐसा भी कोई इंसान नहीं होना चाहिए जिसे आप सम्मान ना दे रहे हो। सभी इंसानों को रिस्पेक्ट दीजिए, सम्मान दीजिए, पर किसी को भगवान मत मानिए और किसी को नीचा ना दिखाइए, अपने मन के अंदर भी नहीं। देखो, या तो आप बातों बातों में ही उनको इंसल्ट करोगे या अपने मन में इंसल्ट करोगे, मन में ही उनको जज करोगे, उनको देखिए कहोगे कि यार इनके कपड़े कैसे हैं, इनका करियर इतना छोटा है, ये इतने छोटे इंसान हैं इस दुनिया में। ऐसे भी मत करो, सभी इंसानों को इक्वल सम्मान दीजिए। ये होती है क्लास की बात। हमारा एक पॉडकास्ट है द रणवीर शो, देख के आइए। मैं सैफ अली खान के साथ बात की थी, उनसे मैंने पूछा था कि यार आप इतने क्लासी कैसे हो। उन्होंने कहा कि यार क्लासी होने का रूल नंबर वन रिस्पेक्ट, सम्मान देना, सभी इंसानों को सम्मान देना, किसी को भगवान ना मानना और किसी पर भगना नहीं। अगर आपने सच में दिल से ये चीज़ करी ना तो करी ना, वाओ। अगर आपने सच में ये चीज करी तो फिर लोगों को पता क्या लगेगा, लोगों को लगेगा कि हाँ यार ये तो सभी इंसान को सम्मान देता है, इनका दिल इतना साफ है, चलो मैं इनके पास जाकर इनसे बात करता हूँ। आप मैग्नेटिक पर्सनालिटी डेवलप करेंगे क्योंकि लोगों को ना आपके आसपास रहने में डर नहीं लगेगा, आपके आसपास रहने की चाहत होगी उनके दिल में। चलो ये बात हो गई दूसरे रूल के बारे में, तीसरे रूल के बारे में बात करते हैं। एग्जीक्यूशनिस्ट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है एक ऐसा इंसान जो ख्यालातों को ना ख्यालातों के दुनिया में रहने नहीं देता, उन्हीं ख्यालों को असली रियल वर्ल्ड में चीज़ें बना देता है। मैं समझाता हूँ, अक्सर लोग बड़े बड़े चीज़ों के बारे में बातें करते हैं और कहते हैं कि यार मैं ये करूँगा वो करूँगा, पर सच में कुछ नहीं करते। पर आपको ये भी जानना है कि एक रूम में, एक ही कॉन्वर्सेशन में आप अपनी एग्जीक्यूशन की एबिलिटी कैसे दिखाएंगे। देखो, लाइफ में अगर आपने सच में एक्शंस लिए, अगर आप कर्मचंद बने, अगर आपने सच में कर्म किए, अगर आपने काम किया, तो फिर आप अपने एग्जीक्यूशनिस्ट बिहेवियर को दिखा रहे हो। पर पर्सनैलिटी कैसे बनाएं, ये आप कहाँ बनाओगे? एक रूम में। रूम में आप ये एग्जीक्यूशनिस्ट बिहेवियर कैसे दिखाओगे? मैं कहता हूँ, मान लो आप ग्रुप डिस्कशन में बात कर रहे हो, ग्रुप डिस्कशन में ना जब वो मेन मॉडरेटर जो एग्जामिनर आते हो ना, और वो कहते हैं कि यार आपका ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक है ये, बाकी के सारे लोग सोचे कि यार मैं क्या करूँ, अभी मैं क्या करूँ, अभी मैं क्या करूँ, पर एग्जीक्यूशनर पता है क्या करते हैं? वो बात करते हैं, वो पहले इनिशिएटिव लेते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट गाय टू स्पीक अप। और इसी प्रकार ये तो ग्रुप डिस्कशन GD की बात हो गई, पर लाइफ में भी अगर आप एक रूम में हो, अगर आप एक ग्रुप से बात कर रहे हो ना, और अगर किसी ने पूछ लिया कि यार लाइफ का मतलब क्या है, बाकी के सारे लोग सोचते कि यार मैं क्या बोलूँ, क्या कैसे क्या पूछ लिया, मुझे पता नहीं क्या बोलूँ, पर एग्जीक्यूशनिस्ट सुनता है और तुरंत जवाब दे देता है। अगर जवाब पता भी नहीं है ना, फिर भी कुछ तो कहता है।
यार आई डोंट नो व्हाट लाइफ्स मीनिंग इज, यार मुझे नहीं पता लाइफ का मतलब क्या है, पर मैं खुश हूँ लाइफ में और इसलिए मुझे लगता है कि यार लाइफ में आपको केवल खुशी का पीछा करना चाहिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। मैं थोड़ा गाली देने वाला हूँ, पर आपको एकदम चूतिया जवाब नहीं देना चाहिए, पर उसके साथ साथ आपको जवाब तो देना चाहिए, वो जवाब की शुरुआत तो करो, दैट इज कॉल्ड बींग एन एग्जीक्यूशनिस्ट। और उसके साथ साथ आपको पता है और क्या करना चाहिए, टेक चार्ज, बी द डिसीजन मेकर। मान लो आपके ग्रुप में 5 लोग हैं और किसी को पता नहीं कि खाना कहाँ जाके खाना चाहिए, ठीक है, और सब लोग कह रहे हैं कि नहीं तू डिसाइड कर, तू डिसाइड कर, तू डिसाइड कर, आप अल्फा बनो, आप डिसाइड करो। आप कहोगे यार चलो मैकडोनल्ड्स जाते हैं, बहुत देर से वहाँ नहीं गए हैं और वहाँ का खाना ना बहुत ही ज़बरदस्त है, तू खा लेना अपना फेवरेट मक्सपाइसी पनीर, तू खा लेना अपना फेवरेट फिले ऑफ फिश। आप रणवीर अलावा के सब्सक्राइबर हो, जंक फूड मत खाओ, पर उसके साथ साथ ये भी जानो कि दिस इज कॉल्ड टेकिंग एक्शन। आप वो इंसान बनो जो हमेशा सल्यूशन दे ग्रुप को, लोगों को, अपने ऑफिस में सल्यूशन ओरिएंटेड। कोई समस्या हुई है तो समस्या का इलाज आप देंगे, आपके दिमाग से निकलेगा। और मान लो आपने 2-3 बार ट्राई किया और किसी ने आपकी बात सुनी नहीं, फिर भी 4th बार ट्राई करो, 5th बार ट्राई करो, व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन, आप फेल हो जाओगे, ठीक है, आप गलत जवाब दोगे, फिर आप गलत जवाब से सीख सकोगे और अगली बार जब आप जवाब दोगे ना तो आपकी एग्जीक्यूशन की स्किल्स, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वो सब ज़्यादा बढ़ जाएगी। बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, बी एन एग्जीक्यूशनिस्ट, जवाब दो, पर्सनैलिटी दिखाओ रूम को। ओके, चौथा पॉइंट बहुत ही सिंपल है, आप रेडी हो? ये है चौथा पॉइंट, वॉइस गेम्स। ये देखो, ये मैं साइलेंसेस छोड़ रहा हूँ ना बीच में, मैंने कहा वॉइस गेम्स, ये था साइलेंस। साइलेंस की वजह से ना आप दूसरे इंसानों का अटेंशन कैप्चर कर सकते हो, जो आप कुछ बात कह रहे हो पर आपने ऐसे शांति मेंटेन कर ली अपने सेंटेंस के बीचों बीच, तो फिर दूसरे इंसानों को लगता है हाँ, फिर अगर आपको किसी का भी ध्यान आप पर डालना है ना तो साइलेंसेस का इस्तेमाल कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको इंटरेस्टिंग बनना है या किसी जोक को और भी ज़्यादा फनी बनाना है, आपको पता है क्या करना चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन। आपको अपनी आवाज़ की टोन को बदलना चाहिए, स्पीड को भी बदलना चाहिए, इंटेंसिटी को भी बदलना चाहिए और वॉल्यूम को भी बदलना चाहिए। अपने आवाज़ के साथ गेम्स खेलो, पर आप पता है इसके मास्टर कब बनोगे, जब आप ट्राई करोगे इन सारे ट्रिक्स को, आपको सच में ट्राई करना है, आपको कई बार गिरना है जैसे कि मैं अभी गिरा, और उसके बाद उठकर कॉन्फिडेंट रहकर खुद की पर्सनालिटी बढ़ानी है, दुनिया को अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है। और उसके साथ साथ एक और गेम के बारे में मैं सिखाता हूँ आपको, और उस गेम का नाम है एटिकेट। एटिकेट मतलब मैनर्स। दुनिया ना एक प्रकार के रूल सिस्टम को फॉलो करती है, कुछ ऐसे नियम हैं, ठीक है, दुनिया भर जो बहुत ज़्यादा ना दुनिया फॉलो करती है पर भारत में कम पाए जाते हैं, लोग कम फॉलो करते हैं इन्हें, पर अगर आपने इन दुनिया के नियमों को फॉलो किया ना आप ज़्यादा क्लासी बन जाओगे, लोग आपका सम्मान करेंगे, स्पेशली जब आप बड़े शहरों में आओगे ना तब लोग बहुत ज़्यादा आपका सम्मान करेंगे। और इन्हीं नियमों को सीखने के लिए ये वीडियो देख लो, ये वीडियो है एटिकेट 101 मैनर्स गाइड। ये हमने बहुत पहले बनाया था, आपकी पर्सनालिटी बहुत तगड़ी हो जाएगी इनकी बदौलत से। ओके, छठा पॉइंट, 2-3 टॉपिक मास्टर। इसका क्या मतलब है, देखो दोस्तों अगर आपको दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर बनना है ना तब आपको किसी भी सब्जेक्ट की ना अच्छे से आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। एक सब्जेक्ट को आपने अच्छे से जान लिया ना फिर आप उसी सब्जेक्ट को सिखा भी पाओगे, ये चीज याद रखो। और कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो अक्सर लोग उनके बारे में ना बहुत ज़्यादा बात करते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, पहला सब्जेक्ट है खाना, फूड, हर इंसान खाना खाता है, मोस्टली 90% इंसानों को खाने के बारे में बात करना अच्छा लगता है, काफी अच्छा लगता है यार। करंट अफेयर्स, पर रणवीर भाई साहब आपने तो कहा था कि पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करना है। दोस्त पॉलिटिक्स के बारे में बात ना करो पर करंट अफेयर्स के बारे में बात करो, जैसे कि कोरोना वायरस एक बहुत ही डरावना करंट अफेयर है, बट लोग आपकी बात सुनेंगे अगर आपको उसके बारे में जानकारी हो तो। जानकारी आप कैसे पाओगे करंट अफेयर्स के बारे में, केवल एक न्यूज़ चैनल या केवल एक पेपर, नहीं नहीं, नो 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 नो, दैट इज़ नॉट द स्ट्रैटेजी।
अगर आप किसी सब्जेक्ट में घुस रहे हो ना, अलग अलग न्यूज़पेपर्स पढ़ो, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स देखो, अलग अलग ट्विटर अकाउंट्स फॉलो करो, सोशल मीडिया फॉलो करो, कोई भी सब्जेक्ट में घुस रहे हो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए करंट अफेयर्स के बारे में, ठीक है। स्पोर्ट्स की दुनिया में चल रहा है, जो पॉलिटिक्स की दुनिया में चल रहा है, आपको जानकारी तो होनी चाहिए, ठीक है। आपके ओपिनियंस भी होने चाहिए, वो ओपिनियंस एक्सप्रेस कीजिए। ओके, चलो मान लो आपको करंट अफेयर्स के बारे में नहीं बात करना है, तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, उदाहरण दे देता हूँ। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के बारे में जानो यार, स्पोर्ट्स के बारे में सब कुछ जानो। दो स्पोर्ट्स चुनो, क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस, फुटबॉल और बास्केटबॉल, ऐसे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे पहले तो आप हमेशा कॉन्वर्सेशन ढूंढ लेंगे। मान लो ऑफिस में हो, आपके बॉस भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखते हैं, वो क्रिकेट के बारे में डिस्कशन करके ना आपकी बॉन्डिंग हो जाएगी उनके साथ। पर ये भी याद रखो कि जब आप स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हो ना, और आपके आसपास कोई नॉन स्पोर्ट्स फैन है, यानी कि जो इंसान स्पोर्ट्स नहीं देखता, तो और अगर उनके साथ आपको बॉन्डिंग करनी है, तो वो जो स्पोर्ट्स का ह्यूमन एलिमेंट होता है ना, मान लो कि आप विराट कोहली के बारे में बात कर रहे हो, आप क्रिकेट फैन के साथ उनके एवरेज, उनके स्ट्राइक रेट के बारे में बात कर सकते हैं, पर नॉन क्रिकेट फैन के साथ उनके पर्सनैलिटी के बारे में बात कर सकते हैं, उनके बिजनेस के बारे में बात कर सकते हैं, वो जो ऑन फील्ड लीडरशिप दिखाते हैं ना, कैप्टेंसी दिखाते हैं, ह्यूमन एलिमेंट्स जो आपने उनसे सीखा है, उन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। स्पोर्ट्स से ना ह्यूमन लेसन सीखो और वो निकाल के अपने पर्सनालिटी में डाल दो। चलो एक और उदाहरण दे देता हूँ, हिस्टोरिकल स्टोरीज, इतिहास, इतिहास की कहानियाँ पढ़ो। एक महान इंसान ने कहा था कि द बेसिक ह्यूमन नीड्स आर फूड, शेल्टर एंड स्टोरी टेलिंग। रोटी, कपड़ा, मकान और कहानियाँ। इतिहास से कहानियाँ सीखो, और मान लो आपने किसी को छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी कही, उनको ग्रिप करो अपने कहानी की बदौलत। कहानियों के बारे में सीखो, और कहानियों के बारे में ज़्यादा बोलना ये भी एक स्किल होती है, वो भी सीख लो। कैसे सीखोगे? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ओके, तो चलो ये हो गए छठे पॉइंट की बात। सातवें पॉइंट की बात करते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसको बोलते हैं मोल्डेबल माइंड। ये है आपका दिमाग, पर मान लो आपका दिमाग ना बिल्कुल क्ले की तरह है, आपने एकदम निचोड़ दिया ना दिमाग को। आपका दिमाग वैसा होना चाहिए जैसे कि ब्रूस ली कहते हैं, बी वाटर माय फ्रेंड। पानी को आपने कप में डाल दिया, वो कप बन जाता है। पानी को आपने बोतल में डाल दिया, वो बोतल बन जाता है। पानी ना जिस चीज़ के अंदर है ना, उसी का शेप ले लेता है। उसी प्रकार आपको भी पानी की तरह बनना चाहिए, बी मोल्डेबल। अगर किसी ने आपको देख के कहा कि यार ये जो आपकी राय है ना एकदम गलत है, वो इंसान पानी नहीं है, वो इंसान पत्थर है, आपको पानी बनना चाहिए, उस प्रकार जो तीसरा चौथा इंसान है ना, ये इंटरेक्शन को देख कर ना आपकी ओर चलाएगा कि यार मुझे पानी के पास रहना है, पत्थर के पास नहीं रहना है, पानी बनो। अब कैसे पानी बनोगे दोस्तों? बहुत ही सिंपल है। मान लो किसी ने आपको ऐसे फेस किया, बोला कि यार नहीं जो तू बोल रहा है गलत है, ठीक है। फिर इसकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल होती है, डिबेटिंग की स्ट्रैटेजी। जो भी वो दूसरा इंसान कह रहा है ना, आपको उसी चीज़ को रिपीट करना चाहिए। आपको ये कहना चाहिए कि यार ठीक है, मान लो कि आपको विराट कोहली अच्छा नहीं लगा, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि विराट कोहली लीडर अच्छे नहीं है, सिर्फ बैट्समैन अच्छे हैं, और रोहित शर्मा उनसे ज्यादा अच्छे लीडर है क्योंकि उन्होंने IPL जीता है। फिर आपको कहना चाहिए कि ठीक है, आप कह रहे हो कि क्योंकि रोहित शर्मा ने IPL जीता है, जो एक डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन है, उसकी ही वजह से विराट कोहली की कैप्टनसी रोहित शर्मा को देनी चाहिए इंडिया को, आप यही कह रहे हैं ना? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। दोस्त, आई अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव, जो आप कह रहे हो मैं समझता हूँ, बट आई जेन्यूनली फील कि विराट कोहली ना लीड फ्रॉम द फ्रंट, अपने उदाहरण द्वारा ये दुनिया को कहते हैं और अपनी टीम को भी कहते हैं कि यार ऐसा फिटनेस होना चाहिए, ऐसी मेंटालिटी होनी चाहिए। हाँ, रोहित शर्मा भी बहुत ज़बरदस्त कैप्टन है, पर मुझे ये लगता है कि इंडिया का नेशनल टीम का लीडर और इंडिया का सबसे बड़ा यूथ आइकॉन, यूथ का लीडर विराट कोहली ही है। पर ये मेरा ओपिनियन है, अगर आपको नहीं मानना है मत मान लो यार, आप पत्थर हो, मैं पानी हूँ, पानी 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 बन। आठवां पॉइंट बहुत ही सिंपल है, और इस पॉइंट को हम कहते हैं हॉबीज। हॉबीज, जिन चीज़ों को आप अपने फ्री टाइम में करते हो ना। अरे कॉलेज स्टूडेंट्स तो एक ही चीज़ करते हैं अपने फ्री टाइम में। उस टाइप का फ्री टाइम नहीं, जिन चीज़ों की वजह से आपकी ग्रोथ होती है ना, उस प्रकार के हॉबीज, जैसे कि वर्किंग आउट, जैसे कि स्पोर्ट्स, जैसे कि कुकिंग, खाना बनाना, आप सीख रहे हो, आप कोई चीज़ को क्रिएट कर रहे हो, वो होती है अच्छी हॉबी। कोई हॉबी ढूंढो, दुनिया में एक तो एक्टिविटी होगी
इसके अलावा और गेमिंग के अलावा जिससे आपके दिमाग की ग्रोथ हो जाएगी, जिससे आपकी पर्सनालिटी पर लेयर्स ऐड होंगे, क्योंकि कोई भी हॉबी में अगर आप एक बार घुस गए ना, उस हॉबी से निकलते हैं लाइफ के लर्निंग्स, आप बहुत कुछ सीखोगे और उन सीख को लर्निंग्स की वजह से आपकी पर्सनालिटी भी बढ़ेगी और एक और बहुत ही ज़्यादा बड़ी बेनिफिट होती है उसकी वजह से, और उस बेनिफिट का नाम है मीटिंग न्यू पीपल। मान लो आप जिम में गए, आपको जिम करना बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, पर और किसको जिमिंग अच्छी लगती है? रिटायर्ड आर्मी कर्नल्स, रिटायर्ड बिजनेसमैन, सीईओज। आप अपने जिम में सीईओज को मिल रहे हो, आर्मी के लोगों से मिल रहे हो, बिजनेसमैन से मिल रहे हो, उनसे बातें करके ना, पहले आप जिमिंग के बारे में बात कर रहे हो उनके साथ, उसके बाद आप लाइफ के बारे में भी सीखते हो उनसे। ये चीज़ याद रखो, हॉबी ढूंढो। हॉबी ढूंढने से ना ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनालिटी 10/10 से 100/10 हो जाएगी, 100 नहीं बट एटलीस्ट 12/10 हो जाएगी, ओके ब्रो। 9th पॉइंट, सिंपल पॉइंट है, फिनिश ऑल योर सेंटेंसेस। मान लो आप एक ग्रुप में हो और ग्रुप एक दूसरे से बात कर रहे हैं और फिर आप वहीं खड़े हो, आप इनकी बात सुन रहे हो, उनकी बात सुन रहे हो, उसकी बात सुन रहे हो, फिर आपका टर्न आता है और अगर आपने ऐसे किया, ना मुझे लगा कि, फिर किसी और ने कुछ बात कही, फिर आप चुप बैठ गए। ये होती है लो पर्सनालिटी सिचुएशन। पर मान लो इन्होंने कुछ कहा, फिर उन्होंने कुछ कहा, फिर उन्होंने कुछ कहा और आपने फिर कुछ कहना चाहा, फिर अपनी सेंटेंस कंप्लीट करो। हाँ, मुझे लगता है कि यार विराट कोहली ही दुनिया के सबसे बड़े कैप्टन हैं और उनकी लीडरशिप भी बहुत अच्छी है। अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करो। जब आप ये बोल रहे हो ना, देखो एडिटर थोड़ा रिवाइंड कर लो, इन्होंने कुछ कहा, फिर उन्होंने कुछ कहा, फिर उन्होंने कुछ कहा और आपने फिर कुछ कहना चाहा, फिर अपनी सेंटेंस कंप्लीट करो। हाँ, मुझे लगता है कि यार विराट कोहली ही दुनिया के सबसे बड़े कैप्टन हैं और उनकी लीडरशिप भी बहुत अच्छी है। देखा, बहुत सारे दूसरे लोग बीच बीच में बात कर रहे थे थोड़ा सा, पर यू कंप्लीटेड योर सेंटेंस। उनके बोलने पर भी आपने अपनी सेंटेंस की शुरुआत करने के बाद ना सेंटेंस को रुकाया नहीं, सेंटेंस को कंप्लीट किया। जब आप कोई चीज़ बोल रहे हो ना, ये मत कहो कि यार हाँ मुझे लगता है कि विराट कोहली, सॉरी यार मैं ब्लैंक हो गया, सॉरी यार मैं भूल गया जो मैं कहना चाहता था। वो होती है लो पर्सनालिटी सिचुएशन। हाई पर्सनालिटी सिचुएशन मेंटेन करके रखो और अपने सेंटेंसेस को करो चिंग कंप्लीट बेबी। और 10वां पॉइंट, उसे लोगों के बॉडी लैंग्वेजेस को स्पॉट करना सीखो। कैसे सीखोगे? थियोरी की वजह से, पढ़ाई की वजह से। कॉलेज वाली पढ़ाई नहीं, स्कूल वाली पढ़ाई नहीं, लाइफ की पढ़ाई। कौन सिखाएगा आपको? आपका भैया रणवीर अलाहाबादिया। रणवीर अलाहाबादिया चैनल पर हमने डाला है बॉडी लैंग्वेज 101 वीडियो। इसकी वजह से ना, दूसरों के बॉडी के मूवमेंट्स की वजह से आपको ये पता चलेगा कि यार ये सोच रहे क्या है, क्या ये कंफर्टेबल है, क्या ये नाराज हो गए, क्या ये गुस्सा हो गए, क्या ये डर गए। आप दूसरे इंसानों के थॉट्स के बारे में सब कुछ जान लोगे, पर उसके लिए पहले आपको पढ़ाई करनी है। कैसे पढ़ाई करोगे? हमारे बॉडी लैंग्वेज वीडियो देखकर या हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लेलिस्ट को देखकर। तो ये थी पर्सनालिटी कैसे बनाए के 10 तोड़म ताड़ पॉइंट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब टू रणवीर अलाहाबादिया। नमस्ते, ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बिग चुम्मास ऑन योर चीक्स, ऑन योर फोरहेड, ऑल ओवर योर फेस, लव यू।